أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا, جب تارے بے نور ہو جائیں گے, جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی, جب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے, جب دریا آگ ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی, اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُوفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے, جب آسمانوں کی کھال کھینچ لی جائے گی, جب دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ اور جب بہشت قریب لائی جائے گی, تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. عزیزان گرامی, میرے بھائیو, میرے دوستو, میرے بزرگوں, میری بہنوں, ان آیات میں اللہ رب العزت کا ایک عجیب اسلوب ہے. دنیا میں جہاں تک قیامت کے دن کا اور قیامت کے حالات کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں تین آئیڈیالوجیز ہیں, تین عقیدے ہیں. اچھا, ایک تو ہے ان کا جو اس کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں. ٹھیک, سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ قیامت نے آنا ہی نہیں ہے. صحیح. دوسرے وہ ہیں جو اس کو جو مانتے تو ہیں, لیکن وہ اس سے بالکل غافل ہیں. یعنی جیسے موت نے آنا ہی نہیں ہے, قیامت نے آنا ہی نہیں ہے. ان کی گزرتی زندگی آپ کو بتائے گی کہ وہ قیامت کے دن سے بالکل ہی غافل ہے. اور تیسرے وہ ہیں جو اس قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ پہلے دو لوگوں سے ہے. اچھا, ایک وہ جو کہ سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے اس کے اوپر, دوسرے وہ جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن بالکل اس سے تیاری نہیں, غافل ہیں. یہاں قرآن نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے, یعنی
ये हो गया, यानी अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारा वसीम भाई से ताल्लुक है और मैं अगर वसीम भाई से ये कहूँ, वसीम यार ये बड़ा ज़रूरी काम है, क्या ये हो सकता है, तो ये आगे से मुझे कहें जुनैद भाई हो गया, नहीं अभी तो मैंने काम ही नहीं बताया, इन्होंने कहा हो गया, यानी ये बात इतनी पक्की ठक्की है इस काम के हो जाने की, इस काम के हो जाने की बात इतनी पक्की ठक्की है कि ये हो जाएगा कि वसीम ने मुझे पहले से ही कह दिया जुनैद भाई हो गया। तो यहां अल्लाह का कलाम वो है कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, यानी ये इतनी एक पक्की बात है। ये कुरान किताब तो बाद में है, पहले तो ये अल्लाह का कलाम है, और जो जात कलाम कर रही होती है जब हमको उसके कलाम को समझना है तो समझने के लिए हमको उसके लहजे को भी समझना होता है कि यहाँ अल्लाह का लहजा क्या है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह फरमा रहे हैं। सूरज लपेट दिया गया, लपेट दिया गया यानी बेनूर हो गया, तारे बेनूर हो गए, कर दिए गए, बेनूर कर दिए गए, पहाड़ अपनी जगहों से उखाड़ कर आसमान पर चले गए, हवा के झोंकों के अंदर वो रुई के गालों की तरह जो उड़ रहे हैं, और वह इदल इशारु उत्तिलत, यानी ये ऐसे है कि यानी यहां पर ये अरबों को जब ब्याने वाली ऊंटनियां बेकार हो जाएंगी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहां बता रहे हैं कि जो ऊंटनी दूध दिया करती थी, बच्चे वाफिर मकदार में दिया करती थी, सुर्ख हुआ करती थी, सुर्ख रंग नहीं होता था, सुर्ख ही माइल हुआ करती थी, तो वसीम भाई उसकी बहुत कीमत हुआ करती थी और बड़ा उसको अच्छा चारा खिलाया जाता था। अल्लाह फरमा रहे हैं जब ये ऊंटनियाँ बेकार हो गई, बेकार हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कोई आपकी कीमती चीज़ मांगूँ तो आप मुझे कहें कि, और आप इनकार कर दें मुझे कि भाई मैं तो जुनैद भाई ये नहीं दे सकता आपको, लेकिन खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, फ़र्ज करो जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई घर पे कोई आफत आए या कोई जलजला आए और हम घर से भागने लगें, निकलने लगें, उसकी छत से बाहर निकलने लगें कि ताकि ये घर की छत हमारे ऊपर ना गिरे, और मैं उस वक्त आपसे वो आके चीज़ मांगूँ, आप मुझे क्या कहेंगे? अरे कहेंगे जुनैद भाई भाड़ में झोंको उसको, इस वक्त बाहर निकलो। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो वक्त होगा जब इन ऊंटनियों की परवाह करने वाला भी कोई नहीं होगा, तुम सब ऐसे परेशान होगे उस दिन। वइज़ल वुहूश हुशरत, और जंगली जानवर जो चीखें मारेंगे, और जब पहाड़ों में से पहाड़ों का लावा निकलेगा और वो दरियाओं और समंदर में निकल के गिरेगा, जब पहाड़ फटेंगे तो समंदरों में भी आग लग जाएगी, वो क्या दिन होगा? और वो दिन आएगा, हर हालत में वो आएगा, उस वक्त तुम्हारे बदनों में अब तुम्हारी लौटाई जाएंगी, वो चली गई तुम्हारे बदनों में तुम्हारी रूहें, उस वक्त वो मासूम बच्ची पूछेगी जिसको जिंदा दफन किया गया कि मैं क्यों दफन की गई जिंदा। यहां पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये आज के दौर से भी बहुत मुत्तसिल आयत है कि आज जो हम अपनी बच्चियों पे जुल्म करते हैं, और भाई अपनी बहनों पर जो जुल्म करते हैं, और बाप अपनी जायदाद बचाने के लिए बेटी को उससे दूर रखता है, और जो शौहर अपनी बीवी के साथ जो बुरा सलूक करता है, और जो सास अपनी बहू के साथ बुरा सलूक करती है, उस दिन वो पूछेगी ए अल्लाह इससे पूछ इसने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया, वैसे ही जैसे जिंदा दफन किए जाने वाली बच्ची पूछेगी ए अल्लाह इससे पूछ इसने मुझे किस गुनाह की पादाश में जिंदा गाड़ दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि उस दिन तुम्हारे नामा आमाल तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने सब तुम खड़े हो गए, यानी अब ये वो मुझे और आपको अल्लाह पाक कह रहे हैं, मुझे और आपको अल्लाह पाक कह रहे हैं कि तुम दोनों ये सोचो, घर में बैठने वालों तुम दो सोचो, तुम सामने खड़े हो
तुम्हारी किताब तुम्हारे हाथ में दी जा चुकी है, इकरा किताबक, अपनी किताब पढ़, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा। उसी वक्त जहन्नुम सामने लाई जाएगी। और ऐसे रवायत में आता है कि जहन्नुम की 70,000 जंजीरें हैं, उनमें से हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच कर मैदान महशर में लेकर आ रहे होंगे, और उनमें से हर फरिश्ते के अंदर इतनी ताकत होगी वसीम, जितनी तमाम जिनों इंस में वो जो वहां खड़े होंगे, उतनी ताकत एक फरिश्ते में होगी। ये जहन्नम को खींच के लाएंगे, वो मैदान महशर में आने के बाद दहकाई जाएगी, फिर वो एक चीख मारेगी, उस चीख की दहशत ऐसी होगी कि बड़े बड़े मुकर्रब फरिश्ते और बड़े बड़े मुकर्रब बंदे अपने घुटनों पर गिर कर कहेंगे, नफसी नफसी, ए अल्लाह आज मुझे बचा ले। यहाँ पर इन आयतों की बरकत से एक बात मुझे जहन में आती है, उधर हर एक नफसी नफसी करेगा, हर फरिश्ता और हर नबी नफसी नफसी करेगा, एक जात होगी वहाँ पर जो आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे अपने उम्मतियों को ढूंढ रही होगी, वो एक जात होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो अपने उम्मतियों को ढूंढ रही होगी, और वो एक ही जात होगी जो उस दिन कह रही होगी, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह कुछ भी कर लेना, मेरी उम्मत को बचा लेना। हाँ, वह इज़ल जन्नत उज़्लिफ़त, और फिर जन्नत भी उस दिन चमकाई जाएगी, सजाई जाएगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अलीमत नफ्सुम्मा अहदरत, तब तुम में से एक एक को ये पता चलेगा तुमने दुनिया में क्या किया। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों में सआदतमंदों में शामिल फरमाए। जाते जाते वसीम भाई एक बात ये भी अर्ज कर दूं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे ये 50,000 साल का क्यामत का दिन उन पर ऐसे गुजरेगा जैसे फजर की दो सुन्नतें जितना वक्त ये लेती हैं। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की इन दो सुन्नतों को इतना जल्दी पढ़ते थे कि मुझे ऐसे लगता था पता नहीं सूरह फातिहा भी पूरी ख़त्म की कि नहीं, इसलिए फजर की सुन्नतें जल्दी पढ़ा करो, और अल्लाह से ये दुआ किया करो, या अल्लाह ये क़्यामत का दिन मेरे लिए इन फजर की दो सुन्नतों के बराबर कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको बिल्कुल अपने दिल की बात बताऊं अगर, तो ये जो हमारे नेकी का सेगमेंट होता है या हमारे मेहमानों का सेगमेंट होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकें, तो यकीन माने कभी मुझे सोच कर ही होता है कि बहुत एक डिप्रेशन सा हो जाता है सेगमेंट में, बड़ी एक टेंशन सी हो जाती है, बड़ा एक दिल अजीब सा होना शुरू हो जाता है, तो कोई ऐसी सूरत कर लें कि ये सिलसिला कम कर दें। फिर मुझे फ़ौरन ये होता है कि एक नशरियात के ज़रिए हमारा कुछ वक्त देने से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, और ज़िंदगी उस अंदाज़ से बेहतर हो रही है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो फिर ये बहुत ही एक ज़रूरी काम है, बल्कि शायद ये ऐसा काम है जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमसे ये काम ले रहा है। और आप लोगों को इसका सारा क्रेडिट जाता है, हमने कल भी एक फैमिली दिखाई थी जिसकी ज़िंदगी किस अंदाज़ से आप लोगों ने तब्दील की। आज हमारे साथ JDC के दो मेहमान मौजूद हैं। देखिए, ये मुआशरा जो है ये उस वक्त एक मिसाली मुआशरा बन जाता है जब इस मुआशरे के हर शख्स का, जो भी हर इंडिविजुअल का किरदार इस मुआशरे में बिल्कुल वैसा हो जैसे आँख का किरदार होता है हमारे पूरे जिस्म में, जो आँख का किरदार हमारे जिस्म में होता है, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी तकलीफ़ होती है उसका रिएक्शन आँख से नज़र आता है आपको, आँसू आँख से टपकता है। वो कहते हैं ना, मुब्तलाए गम हो कोई उज़्व
तो रोती है आंख, बेशक किस कदर हमदर्द सारे जिस्म को होती है आंख। वाह, तो ये आंख का किरदार जो होता है हमारे जिस्म में, वो अगर मुआशरे में हर शख्स का किरदार हो कि किसी की भी तकलीफ हो महसूस हम सब करें, तो यकीनन यह मुआशरा एक बेहतर मुआशरा हो। ये बात करने की आज दो वजूहात हैं, एक ये कि हमारे दोनों मेहमान ऐसे हैं कि जिनको अगर हमने एहसास किया तो इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं बहुत बेहतर हो जाएंगी, और दूसरी वजह यह कि हमारे आज के पहले मेहमान हैं वो आँख के हवाले से ही एक मर्ज में और एक गम में मुब्तला हैं। जुनेद भाई, ये हमारे साथ ज़ैनब साहिबा हैं, ज़ैनब साहिबा ख़ुद और इनके दो भाई जिनमें से आज एक तशरीफ़ लाए हैं अली भाई, ये दोनों बहन भाई, तीनों बहन भाई यानी कि ज़ैनब साहिबा और इनके दो भाई, ये तीनों आँख के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ज़ैनब साहिबा जब 14 साल की थी तब इनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हुई और रफ्ता रफ्ता इनकी बीनाई मुकम्मल तौर पे चली गई। अब ये तीनों बहन भाई जो हैं ये बीनाई से महरूम हैं। इनके वालिद साहब की उम्र 65 साल है, अब्दुल सत्तार साहब, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, महीने के 5,000 रुपये कमाते हैं वो, अब उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं आप खुद बेहतर जानते हैं। और अब्दुल गफ्फार साहब इनके एक और भाई जो कि आज नहीं आए हैं, उनके 6 बच्चे हैं, ये हैं वो भी नहीं देख सकते, वो भी नाबीना है। और ये जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं इनका भी एक बेटा है जो कि यहाँ हमारे साथ आया हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो पहले मैं चाहता हूँ इनसे बात करने से पहले आप ये बता दें जफर भाई JDC के कि ये इनका इलाज मुमकिन है और क्या है, चूँकि आप मुझे कह रहे थे कि एक्चुअली बीनाई नहीं है, आँख से मुतालिक कोई और मसला है जिसका इलाज मुमकिन है। बीमारी हुई है उसके अंदर इनकी बिनाइयाँ 14 साल और 15 साल की उम्र में जाना शुरू हुई हल्के हल्के, चूंकि इनके पास वसाइल नहीं थे इसलिए अस्पताल नहीं गए। अब जब दिखाया अस्पतालों में तो उन्होंने कहा इसका इलाज मुमकिन है, इसमें कुछ सर्जरीज होंगी और उसके लिए बाहर से आँख मंगवाई जा सकती है श्रीलंका से, लेकिन जिसके लिए एक एक आदमी के ऊपर कॉस्ट तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपये आ रही है। लेकिन उसके बाद ही देख सकेंगे। जी 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 बिल्कुल, उन्होंने जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई उसमें ये कि इनकी आँखें दूसरी जो लोग अतिया करते हैं वहाँ से मंगवा के लगवाई जा सकती हैं। ये देखने के काबिल हो सकते हैं तीनों, इनकी पोजीशन तो ऐसी है, इनके वालिद साहब की हार्ट की कंडीशन जो है वो पीछे इनकी वालदा बैठी रो रही हैं, आप इनसे मालूम करें, वो इलाज के पैसे नहीं है, इनके पास दिखाने की भी कंडीशन नहीं है। इस तरह जिस तरह ये माजूर बच्चे हैं या इनकी भाभी हैं उनकी एक आँख देख सकते हैं, वो भी बेचारी एक आँख से वो हैं, तो कंडीशन ओवरऑल इनकी फैमिली की बहुत अच्छी नहीं है। पूरे घराने में आँख से मुतालिक जो कि काबिल इलाज है बिल्कुल। अभी तीसरे बेटे को इसीलिए लेकर नहीं आई, कह रही मैं एक साथ 4 नाबीनाओं को लेकर कैसे चलूंगी, तो ये इसलिए लेकर नहीं। अच्छा, अभी मैं इनसे ही पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं लेकर आए बड़े बेटे को अपने जो कि भी नाबीना है, तो ये अब ये माँ कह रही है कि मैं कैसे तीनों को। पहले तो हम इस अजीम माँ से बात करते हैं जो कि इस अंदाज से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। तो ये ज़ैनब साहिबा को तो बताया कि 14 साल की थी जी। और ये इनका कभी मसला हुआ था? ये अभी 30 साल का हुआ है। हाँ। अभी ये मतलब ये 6-7 साल 8 साल इसके बिनाई काम होती जा रही। अच्छा, अभी आप कैसे इन तीनों को संभालती हैं? करते अल्लाह का शुक्र है, कहाँ जाते हैं तो फिर हाथ पकड़ के चलते तीनों का, फकीर मोहम्मद का भी, इनके बड़े भाई का भी, अब्दुल गफ्फार का भी और ज़ैनब का भी। और मैं क्या कहूँ, देखे ना, यानी अब एक माँ जो कि अपने 3 जवान लेकिन नाबीना बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। फकीर मोहम्मद साहब से बात करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। दो भाई हम, इसके अलावा और कोई है नहीं हमारा कमाने वाला, वो भी अटक के मरीज है, हम लोग कैसे गुजारा करेंगे हमें कुछ नहीं पता, हमारी आगे आनी चाहिए ना, हमारे पास कोई ऐसे वसाइल है कि हम कुछ कर सकेंगे इसमें। उनमें जितने भी जो हम कारोबार कर सकें ऐसा कोई ट्रेडिंग या तो हमें को कर दी जाए, हमारा आंखों का इलाज करवा दिया जाए। अभी आपकी मसरूफियत क्या रहती है, क्या करते हैं आप सारा दिन? मैं कुछ भी नहीं करता, 500 रुपये हफ्ता लेके आता हूँ, वहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ। गारमेंट फैक्ट्री जाते हैं आप जी? क्या करते हैं गारमेंट फैक्ट्री में? वहाँ पर जो पजामे वगैरह सीधे वगैरह करना पड़ते हैं वो करता हूँ, और
कुछ धागे वागे थोड़े बहुत काटने पड़ते हैं, वो काटता हूँ, उससे हाथ में कटवट भी लग जाते हैं। 500 रुपये हफ्ता वो हमें देते, इसमें मैं बच्चे का भी गुजारा सब करना पड़ता है हमें। कह रहे चूँकि नाबीना है, आप धागे वगैरह काटते हैं तो कभी हाथ में कट लग जाता है, कभी चूँकि नहरे देख तो नहीं सकते आ जाते हैं जी, चलते हैं तो गाड़ियों में भी आ जाते हैं, लग जाती पेट में, कभी माइक कभी हाथों में, कभी पेट में, कभी कान लग जाती, पैरों में खून निकल जाता है। और ये इन तीनों के इस पूरे घराने की तकदीर बदल सकती है अगर हम कमो बेश 10 से 12 लाख रुपए अगर हम जमा कर लें, चूँकि वो कह रहे हैं 3.5 से 4 लाख। चूँकि ये पैदाइशी, मैं इनसे ये पूछ रहा था जफर साहब से कि ये अगर पैदाइशी नाबीना है तो इलाज फिर कैसे मुमकिन है, चूँकि पैदाइशी नाबीना तो नहीं है ये, तो वही कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने कहा है कि बिल्कुल मुमकिन है, तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपया इन तीन लोगों पर अगर खर्च हो, यानी तकरीबन 12 लाख रुपया मिलाकर, तो इनकी ज़िंदियाँ बदल सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है, रोटी खा लेते हैं। ये मैं आप छोड़ दीजिए, मैं जी। अम जैनब साहिबा जी, आप कि किस तरह गई थी बीमारी, क्या हुआ था? उम्र के हिसाब से बढ़ती गई, कम होती गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब तो कुछ भी नज़र नहीं आता हमें। अभी आप बिल्कुल भी नहीं देख नहीं बिल्कुल भी नहीं देख सकते आप? अब के भी क्या महसूस होती है, दिन भर क्या करती हैं आप? घर में झाड़ू पोछा वगैरह अंदाज से कर लेती हूँ मैं। और देखें ये एहसास होने भाई और ख़तरनाक है ना, कि आप ज़िंदगी के एक हिस्से तक आप देख सकते हो, अचानक आप इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए इस फीलिंग को, क्या आप देख सकते हो, अचानक आपको कम नज़र आना शुरू हो जाए और आप अगले दिन सब सुबह उठे तो आप ना देख सकते हो, ये कितना ख़तरनाक एहसास है, और इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारना, और ये मुमकिन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये देख सकें, यह पूरा घराना देख सके, ये और कुछ नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि हमें आप, ये कह रहे हैं बस अगर हम सेहतमंद हो जाएंगे फिर हम अपनी अपनी नौकरियां करेंगे, अपना घर चलाएंगे, अभी भी कर रहे हैं काम, अभी भी नौकरियां कर रहे हैं। 800 रुपए में बताया ना उन्होंने, 500 रुपए, 500 रुपए कमाने के लिए, 500 रुपए में 4 किलो दाल नहीं आती, 3 किलो दाल आती है खाली, वो पूरे हफ्ते में जाके मेहनत करते हैं तो 3 किलो दाल के पैसे कर पाते हैं, ना इसमें आटा है, ना घी है, ना कुछ है। तो ये हमने इस सारे खानदान का माजरा आपके सामने रखा है मुस्लिम भाई। और जी सर, कराची से एक बंदा है, खुदा ने 50,000 रुपए दिए इनके लिए। चले जजाकल्ला, जजाकल्ला, मेरा नाम ना बताएं, ठीक है, और अल्लाह करे ये बस इब्तिदा हो, हमें 10 से 12 लाख तक पहुंचना है, और अगर इस तरह की हमें 10 12 लोग और मिल जाएं तो वैसे मसला हो जाए, इस तरह के 10 12 लोग और मिल जाएं तो ये खानदान एक बेहतर जिंदगी गुजार लेगा, बस ये मामला इतना ही सादा है। घर भी इतना प्लाट है, वो आधा है हमारा जी, गुजारा नहीं होता, प्लाट है वो भी आधा है, मकान घर का है। हाँ ठीक है, अच्छा मैं जरा ये अपने अगले मेहमान की तरफ भी बढ़ता हूँ, ये भी मामला बड़ा इनका बहुत सीरियस, बहुत हसास है मामला। अली साहब है हमारे साथ, अली साहब की उम्र है 32 साल के हैं अली साहब, और ये 23 साल पहले आज से मुख्तलिफ घरों वगैरह में अखबारात डालते थे, और जब इसी तरीके से एक मरतबा घर से निकले हैं अखबारात वगैरह डालने के लिए तो एक ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी जिसकी वजह से दूर जाकर गिरे। इसके बाद मैं अली साहब से ही कहानी सुनता हूँ कि क्या मामला हुआ था। आप ये माइक अली भाई लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा क्या वाकया हुआ था, क्या वाकया क्या हुआ था? पहले एक निशान था, बीमारी थी जो बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मेरा चेहरा जो है इन्फेक्शन करके बढ़ता चला गया, इस चेहरे की वजह से लोग इस तरीके बिहेव करने लगे कि मैंने काफ़ी मरतबा तो इतना मायूस हो गया था कि मैंने कहा कि खुदकुशी कर लूँ तो बेहतर है, मगर फिर हिम्मत की कि नहीं, खुदकुशी इस चीज़ का हल नहीं है, मुझे अपना इलाज करवाना चाहिए, भाग दौड़ की बहुत लोगों के पास इधर उधर, इस कदर बिहेव होता रहा, इस कदर बिहेव होता था कि यकीन माने लोग मेरे सामने से खाना छोड़ देते थे। नहीं देखिए मैं जरा बताऊँ अली की कहानी कि इनको भैया मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मेरे चेहरे को देख कर लोग खाना छोड़ देते थे, रिजक छोड़ देते थे, जिस रिजक के लिए लोग दर पदर होते हैं, मुझे देख के लोग चीखे मारते हैं। माजरा ये है कि इनको इनके चेहरे में पहले से एक मसला था, एक मर्ज था, फिर ये जो कि इतना ज़्यादा शदीद नहीं था, फिर एक दिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी है और ये गिर गए, तो उसके बाद इनका पैर फंसा है। ये देखे मेरी ये कंडीशन है, तो इनका पाँव मोटरसाइकिल में फंस गया और पेट्रोल लीक हो गया मोटरसाइकिल में, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी, जब तक इन्हें बचाया जा सकता था तब तक इनका 80% हिस्सा झुलस चुका था, 80% बर्न केस है, जिसकी वजह से अभी इनका इलाज जारी है,
ज़फ़र साहब आप पहले बता रहे थे कि अभी जो इनकी सूरत हाल है वो कुछ 10 गुना बेहतर है पहले जो हालत थी जी। बिल्कुल, पहले जो इनका फेस था उसमें गोल गोल बहुत इतने बड़े बड़े मतलब वो निकले हुए थे दाने टाइप के, और वो यहाँ तक था। लेकिन अभी तक पर इनकी 7 सर्जरियाँ हो चुकी हैं, 7 ऑपरेशन हो चुके हैं इनके। अभी अब जो कंडीशन है, मैं चाहूँगा तो आप देख लें ताकि लोग देख लें। हैदर भाई दिखाओ अपना फेस दिखा दें। अब काफ़ी बेहतर हो चुका है ये, लेकिन अब भी ऐसी कंडीशन है कि लोग करीब से इसको हटा दें अपने सर से चादर। सर से चादर उठाओ। लेकिन ये कि अब इनकी आँख का उन्होंने सुराख बना दिया है और नाक वगैरह के लिए अब ये मजीद ये हो सकता है कि अगर इनकी सर्जरी। अच्छा वैसे ये बताएगा आपको, सुन मेरी इसकी बड़ी दोस्ती है। बताया इन्होंने कि जहाँ भी बाहर जहाँ सिग्नल पे बेचते थे वहाँ आपसे मुलाकात होती रही है। अच्छा। मैं जब मेरा जो बहुत पहले मैं जिस घर में रहता था वहाँ ये बाहर बेचता था। पहन ले तो मेरी इसकी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा। हाँ तब तो इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब थी, याद है तुम्हें? जी हाँ? बल्कि आपके घर के पास ही मैं सिंगल पे अखबार बेचता था। हाँ हम तकरीबन रोज मिलते थे। बिल्कुल मिलते थे। ये मेरे म्यूजिक के दिनों की बात है। अच्छा। नहीं तंग तो बहुत आ गए थे बीच में जब हमने इनको ऑपरेशन कराया, उस वक्त तो ये खुदकुशी करने की बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे। तुम सुनो, तुम तो अभी तक बड़े स्मार्ट हो, कैसे? मैं तो देखो मोटा हो गया हूँ, तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए, अभी तक बड़े सेट चल रहे हो तुम। ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, मैं हिम्मत नहीं हारता। मगर जब लोगों का बिहेव देखा, किस तरीके लोग इंसान को इंसान नहीं समझे, जानवर से बदतर समझते हैं। लेकिन माने मैं एक जगह अभी यही ऑफिस में आने से पहले एक साहब के पास से मैं गुजरा हूँ, तुम थोड़ा सा उसको थोड़ा हाथ लगे तो मुझे बोलते यार थोड़ा साइड से होकर गुजरो ना, कि मुंह नीचे कर गया। अरे तुम्हें कुछ आइडिया है, सुनो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें कुछ आइडिया है तुम कितनी बड़ी जन्नत कमा रहे हो, कितनी बड़ी जन्नत कमा रहे हो। ये मुसलमान को तो दुख मिले तब भी अजर, उसको सुख मिले तब भी अजर। मैं तो अभी ये देखो ये ऑडियंस कितनी जोरदार तालियां बजाएगी अभी तुम्हारे लिए। देखो ये देखो इन लोगों को, ये देखो दिल में दर्द रखने वाले लोग भी तो हैं दुनिया के अंदर। अब यह है कि अब ये बताएं जफर साहब, इनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है? इनकी अभी जो है तकरीबन 2 बड़ी सर्जरी है, 1 छोटी सर्जरी है, और उसके बाद इनकी प्लास्टिक सर्जरी होगी जिससे इनकी नाक बनाई जाएगी और होंठ और ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। अच्छा। क्योंकि इन्होंने आँखों कितने में अगर यानी अब इनका कितना अमाउंट हो जाएगा इनका इलाज जो ये ठीक हो सकते हैं मेरे आपके जैसे? प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल से जो इनका आया तकरीबन वो 5 लाख का एस्टिमेट, और दूसरे अस्पताल से जो आया वो तकरीबन 7 लाख का, क्योंकि ये पूरा रिमूव किया जाएगा गोश्त। अगर 7 लाख रुपए हो जाए तो ये बिल्कुल मेरे आपके जैसे हो जाएंगे? 7 नहीं 12 से 13 लाख रुपए होंगे। अच्छा, दो अलग अलग सर्जरी तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी जो होगी वो बहुत सारी होंगी, वो एक नहीं होगी। अच्छा। वो एक एक दो दो दिन एक एक हफ्ते के गैप से होती रहेंगी तब जाके एक शक्ल बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन ये कि अगर इतने पैसे हो जाएं तो इनका काम 12 लाख के करीब पैसे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक हो सकते, बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगे। तो ये एक मामूल की जिंदगी ये भी गुजार सकते हैं अगर 12 लाख रुपए हो जाए। और आपने हमने खुद ही फौरन कह दिया कि आप कपड़ा डाल दीजिए, कुछ लम्हों के लिए दिखाना हमारी ये मजबूरी है ताकि आप पता तो चले कि ये क्या किस कर्ब से सही बात एक इंसान गुजर रहा है। ये कह रहे हैं जहाँ जाते हैं लोग छड़क देते हैं, दूर कर देते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज ने वसीम इस फैमिली के लिए भी इनके भी राशन की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली है। ये जो हमारी फैमिली है भाइयों की, जज़ाकअल्लाह। और इसकी भी इसके लिए 10,000 रुपए एक भाई ने भेजे हैं, और भाई के इनके लिए भी 10,000 रुपए एक भाई ने भेजे हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह इनको खुश रखे। तो अली भाई अभी आप करते क्या हैं वैसे, मसरूफियत क्या होती है आजकल? मैं अपने इलाके में छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। किसी के पास नौकर के लिए चला जाता हूँ, मतलब उसके साथ 2-4 घंटे बिता लेता हूँ, वो 150 मुझे दे देता है। अच्छा। केबल वालों के साथ चला जाता हूँ, जाहिर सी बात है मुझे नौकरी तो कोई देता नहीं है, ना कोई मुझे दुकान में काम देगा ना फैक्ट्री में काम देगा। एक दो फैक्ट्रियों में काम भी किया तो मालिकों ने ये कहा कि भाई बेटा आप ऐसा करें कि ये 500,000 रुपये मजीद ऊपर रख लें, हमारी लेबर आपसे घबराती है, मेरे मैनेजर साहब को उल्टियाँ आती है, ये होता है, आप चले जाएँ। वो कहते हैं पैसे ले लो, 2 पैसे इजाफी, लेकिन यहाँ रहो, यहाँ नहीं रहो। तो तुम उधर डिफेंस के इलाके में ही हो तो अभी भी? नहीं सर, अब मैं गुलिस्तान जौहर में इरम शॉपिंग मॉल है उसके नीचे ना स्टॉल लगाता हूँ कुर्तों के शलवार में, मेरे 2 छोटे भाई मेरे साथ होते हैं, ये कि मैं साइड पर बैठ जाता हूँ। बड़ी बात है यार, वेरी गुड। वो लगाता हूँ। अब पिछले साल ये स्टॉल नहीं लगाए गए जिसकी वजह से मेरा काफ़ी मसला हो गया था, ऐसे भी मेरे इलाज पे भी खर्च हुए, वालदा मेरी बीमार पड़ी रही है 2 साल से, बिस्तर पर थी, आँखों से बैठ गई है वो, बस अब उनके लिए दुआ करके अल्लाह ताला उनकी बस बिनाई वापस कर दे। और आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं।
वाह बच्चे इनके पास, एक बेटी दो बेटे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तकलीफ है, अल्लाह ताला किसी को ऐसी तकलीफ का कोई तकलीफ ना दे कि जिससे इंसान इंसान से दूर हो जाए, इंसान इंसान से दूर हो जाए। इंसान ये क्या चंद लम्हों की जिंदगी, लेकिन ये भी तो तुम देखो कितने सारे तुमसे करीब भी तो हो गए, आम लोगों से ज्यादा करीब नहीं हो गए इसके से, इससे इससे कितने लोग करीब भी तो हो गए, ये भी तो देखो तुम। सर ये यही चंद एक लोगों की वजह से तो आज मैंने मुझ में हिम्मत है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो जिस तरीके बिहेव हो रहा था मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी। नहीं इंशाल्लाह आप सुजुकी नॉर्थ शोरूम के ऑनर वकास साहब का मैसेज आया कि चूंकि अखबार बांटते हैं, कह रहे हैं उनकी जाने से एक नई मोटरसाइकिल ही उनके शोरूम से ले लें जाकर। अरे वाह सुभान अल्लाह, लो जी क्या बात है जबरदस्त। ये किनकी तरफ से मैसेज आया जी? ये सुजुकी नॉर्थ शोरूम है उसके ऑनर अच्छा। हैं वकास साहब। ये वकास साहब वही हैं पिछले भी हमारे मेहमान जी मदद की थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। वकास साहब हम आपके बड़े खास शुक्रगुजार हैं, आप वक्तन फवक्तन मदद करते रहते हैं सुजुकी नॉर्थ। 25,000 रुपए इनके लिए भेजें किसी ने ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा वकास साहब के लिए और हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले भाई के लिए बहुत सारी। दोबारा बताइएगा 10,000 रुपये ये बर्न केस 10,000 रुपये और इनके लिए भेजे हैं जनाब के एक भाई ने। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी 50,000 रुपये इनकी सर्जरी के लिए भेजे हैं। क्या बात है भाई वाह वाह जबरदस्त। और आप एक मोटरसाइकिल लीजिए नहीं एक बाइक लीजिए नहीं सुजुकी नॉर्थ से और उसके बाद आके अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। आदि साहब आपने हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह ठीक है ना? इंशाल्लाह सर हिम्मत नहीं हारनी है, बस यही चीज़ है ना कि आप लोगों ने हिम्मत दी, आपने बुलाया, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने मेरा वो एहसास फिर से जगा दिया कि नहीं मैं जी सकता हूँ। आप बिल्कुल जी सकते हैं और हम दिल से बात कह रहे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा बाहिम्मत इंसान है। ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं इन्होंने बार बार तालियाँ बजा कर इस बात का सबूत दिया, फिर देखे बजा रहे कि आप हमसे ज़्यादा बाहिम्मत इंसान है, हमारी जिंदगी आसान है आप लोगों के मुकाबले में, आपके मुकाबले में। आपका नाम एक बार नाम बताना अपना। हैदर अली। हैदर देखो हैदर भाई तुम ये भी तो देखो, तुम उन नेमतों को भी तो देखो जो अल्लाह ने तुम्हें दी हुई हैं। सबसे पहले बढ़ के 3 बच्चे, उनसे पूछो जिन जो दुआएं कर कर के मक्के मदीने के चक्कर लगा लगा के थक गए उनकी औलादें ही नहीं होती। हाँ उनसे भी पूछो। तुम कहते हो खुदकुशी करना चाहते हो, वो 3 बच्चे कितनी बड़ी तुम्हारे लिए उम्मीद की किरण है, तुम उनके बाप हो, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। चलो हमें छोड़ दो तुम एक सेकंड के लिए, तुम उनको भी तो देखो हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना? बीवी बच्चे हैं माशाल्लाह, तो जाहिर सी बात है शाबाश समझदार हैं जुनैद भाई, ये दुनिया समझदार है, सारे समझते इस चीज़ को कि बीवी बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है खाना मांगते हैं बस। तो अब हम इस उम्मीद के साथ अब हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं कि आप लोगों की इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है, ये ख़त्म ना हो। अगर थोड़े से लोग इस तरीके से मदद कर देंगे तो ये फैमिली दुनिया को देख सकेगी और इस हमारे भाई को दुनिया देख सकेगी माशाल्लाह ठीक। अगर आप लोगों थोड़े से लोग कुछ मदद कर दें, ये दोनों का तकरीबन 12 लाख रुपए का अमाउंट है जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप लोग सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे कुछ भी हो जाएगा, इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी और हम अगले साल लाएंगे इन्हें और आपको बताएंगे कि आप लोगों की वजह से कैसे इन लोगों की जिंदगियां बदल दी गई। मैं JDC का बहुत शुक्रगुजार हूं, आप आते रहिए। अभी इन्होंने कराची एक्सपो सेंटर में एक बाजार मेहरबान का इनेकाद किया था, ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला बाजार था कि जिसमें एक्सपो सेंटर में बगैर किसी लाइन में लगे बगैर कुछ हुए आप सिर्फ टोकन्स दीजिए और आप घर की अशिया फ्रिज ये वो इस तरह की चीज़ें बाकायदा तकसीम की गई बहुत बड़े लेवल पर कराची एक्सपो सेंटर में। ये बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और सबसे मुझे जब अच्छी बात लगी JDC की वो ये कि जितने भी इस्लामी तारीख के इवेंट्स हैं चाहे वो किसी भी मसलक के हवाले से हो, अहले सुन्नत के हो, अहले तशी के हो, किसी मसलक के हवाले से ये प्रोग्राम्स इनेकाद करते हैं जिसमें एक स्टेज होता है और तमाम मसालिक के लोग होते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही भाईचारे को प्रमोट करे। मुझे बात याद आती है इधर कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया खैरुन नास मैं यनफउन नास, कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। इसमें किसी मसलक का जिक्र नहीं हुआ, वाँ वाँ वाँ। इसमें किसी जुबान वाले का जिक्र नहीं हुआ, इसमें किसी हसब नसब वाले का जिक्र नहीं हुआ। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचा। जजाकल्ला जजाकल्ला। तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं मेजी करशी जामेशीरी सूफी
और मीज़ान चाय, इन सब की जानिब से हमारे आज के मेहमानों के लिए बहुत सारे तहाइफ हैं और हम अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ भरपूर तालियों में हम अपने इन मेहमानों को रुख्सत करें एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।